दोस्तों आज की कहानी है भाभी जी आप मेरा अबॉर्शन करवा दो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हाय ये क्या हो गया, शादी के 2 महीने भी ना हुए, अब क्या करूं? गलती तो मेरी भी है, भाभी ने दवाई दी थी पर मैंने भी नहीं ली थी। माँ से सुना था ये दवाइयाँ नुकसान करती हैं। सुयस भी लापरवाह रहा, कभी सावधानी रखी कभी नहीं रखी, पर अब सुयस का इंतजार करने लगी। वो जिम गया हुआ था, मम्मी पापा अपने कमरे में थे। मन में ऐसे लग रहा था जैसे कहीं भाग जाऊं कहीं सिप जाऊं। जैसे ही सुयस कमरे में आया गीत जोर जोर से रोने लगी। सुयस घबरा गया, क्या हुआ? अभी तक तो तुम ठीक थी, गीत की रोते रोते हिस्की आने लगी। सुयस जल्दी से मम्मी को बुला लाया, मम्मी देखो ना पता नहीं क्या हुआ, कुछ बोल भी नहीं रही हैं, रोते जा रही हैं, क्या बात है बेटा? मायके की याद आ रही है। सुयस नाश्ता कर गीत को मायके सोड़ आया। गीत की सूजी हुई आंखें देख मम्मी घबरा गई। सुयस बोला, इसे आप सब की याद आ रही थी। मैं शाम को ऑफिस से आते वक्त ले जाऊंगा। माँ ने गले लगाते हुए लाड से उलाहना दिया। गीत तू तो ससुराल जाते वक्त नाश नाश कर गई थी, रोने वाली तो तू नहीं है, क्या कोई बात हुई है? सास ने कुछ बोल दिया क्या? गीत को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सुप साप बैठी रही। भाभी गीत को अपने कमरे में ले गई। दोनों में सहेली जैसा रिश्ता था। कमरे में जाते ही भाभी के गले लग फिर रोने लगी। क्या हुआ, बोलोगी भी या रोते रहोगी? गीत ने पर्स से टेस्ट किट निकाल के दिखा दिया। ओहो तो ये बात है, भाभी हंसने लगी। भाभी हंसो मत, मेरी जान निकल गई है ये देख कर। अरे तो क्या हुआ, एक दिन तो ये होना ही था। भाभी अभी तो मम्मी जी ने मुझे घर के काम भी नहीं करवाए हैं, मैं ठीक से बहू भी नहीं बनी हूँ। भाभी मैं सुप साप अबॉर्शन करा देती हूँ, आप मदद कर दो ना, मैं यहाँ रह लूंगी। 2-3 दिन किसी को पता नहीं चलेगा, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी नहीं ले सकती। मेरी अभी घूमने फिरने की इच्छा है। गीत ये क्या बक रही हो, होश में तो
हो। ईश्वर की कृपा है तुम माँ बनोगी। एक मुझे देखो, 5 साल से शहर के सभी डॉक्टर के चक्कर लगा चुकी हूँ। तुम घूमने फिरने जाना, तब मेरे पास बच्चे को छोड़ देना। अबॉर्शन ना करवाने दूंगी। भाभी सलोमान भी लेती हूँ, पर सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। शादी होते ही बच्चा सोच के ही घबराहट हो रही है। मम्मी जी पापा जी क्या बोलेंगे। गीत को आराम करने को कह, भाभी कमरे से बाहर आ गई। भाभी ने अपनी सास को सारी बात बताई और रात के खाने पर सुयस और उसकी मम्मी पापा को बुला लिया। सुबह की बात से सब घबराए हुए थे। ऊपर से बुलावा, क्या बात है। शाम को गीत को भाभी ने तैयार किया। खाने की टेबल पे सब बैठे थे। भाभी ने सब से मुस्कुराते हुए कहा, आज सबको एक सरप्राइज मिलने वाला है। पहली एक है जो आपको सुलझानी है। घर पर एक और सदस्य आने वाला है। कौन? जिसके आने से सबको नया नाम मिलेगा। गीत की गोद में जब फूल खिलेगा। सुयस अवाक हो देखने लगा। गीत उठकर कमरे में भाग गई। गीत की सास उठकर थाली बजाकर नाचने लगी। सब बधाइयां देने लगे। सोयस कमरे में जाकर गीत को पकड़कर बोला, क्या ये सच है? घर में सब कितने खुश हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुयस हंस भी रहा था, घबरा भी रहा था। पहली बार माँ पिता बनना किसी वरदान से कम नहीं होता। ये वक्त ने बता दिया। 9वें महीने नन्ना सुयस जब गोद आ गया। ननद भाभी आज भी उस दिन को याद कर घंटों बातें करती हैं और मजे लेती हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ये पल होते ही ऐसे हैं।